Inspector Madan from Noorpur Police Station speaking. General Headquarters. Good morning, sir. पिछले दिनों की वारदातों के बारे में कुछ पता चला? कोशिश जारी है सर, और इस सिलसिले में चंद गिरफ्तारियां भी हुई हैं। सिर्फ गिरफ्तारियां? यस सर, पहाड़ी इलाका है सर, और रास्ते भी इतने आसान नहीं। हालात को पूरे तौर पर काबू में लाने के लिए वक्त चाहिए। वक्त चाहिए, वक्त चाहिए, आखिर कितना वक्त चाहिए? पिछले दो महीनों से मैं यही सुन रहा हूँ। लुक हियर इंस्पेक्टर, अगर तुमने हालात पर जल्दी काबू ना पा लिया तो मुझे कुछ डिपार्टमेंटल एक्शन लेना पड़ेगा, समझे? सर, सर, टेक इट सीरियसली। यस सर, यस सर। हो गई हुजूर, हो गई। क्या हो गई? 6 महीने में अपने हाथों पहली गिरफ्तारी, जिसे कोई नहीं पकड़ सका उसे मैं पकड़ के लाया हूं। हाजिर करो मुजरिम को, हाजिर करो। इंस्पेक्टर साहब। हाँ, इसे क्यों गिरफ्तार किया? हुजूर, ये शहर में दंगा फसाद कर रहा था। नहीं नहीं हुजूर, क्या मैं दंगा फसाद कर सकता हूँ? मैं तो वहां खड़ा हुआ तमाशा देख रहा था। दंगा फसाद तो वो कुछ दूसरे कर रहे थे। तो दंगा फसाद करने वाले कहाँ है? वो तो भाग गए हुजूर। और आप इसे गिरफ्तार कर रहे हैं? हुजूर, आप ही का तो कहना था दंगा फसाद देखना उतना ही बड़ा जुर्म है जितना कि दंगा फसाद करना। बनारसी दास, कभी तो दिमाग से काम लिया करो। असली मुजरम भाग गए और तुम इस हॉस्पिटल के मरीज को पकड़ कर ले आए। कोई तो तुक होना चाहिए तुम्हारी बात में। हुजूर, मैं माफी चाहता हूँ। इसे छोड़ दो, मुजरिम को छोड़ दिया जाए। इंस्पेक्टर साहब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। चलो चलो बनारसी दास, तुम्हारी हरकतें बंद होंगी नहीं और शहर की हालत सुधरेगी नहीं। नतीजा ये होगा कि आखिर मुझे एक ना एक दिन नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं हुजूर आप, भगवान की दया से शहर में आपका कितना नाम है इसका आपको अंदाजा नहीं। आपके नाम से लोग कांपते हैं हुजूर, कांपते हैं। अभी अभी हेड ऑफिस से टेलीफोन आया है। जरूर तरक्की का होगा। क्या कहा फोन पर जी? जानते हैं उन्होंने क्या कहा? अगर ये वारदातें बंद ना हो तो मेरी तरक्की रुक जाएगी और मुझे यहाँ से मुमकिन है जाना भी पड़े। चाहे आपके दुश्मन हुजूर, आज से मैं अपनी कोशिशें डबल कर देता हूँ। इस हवालात में मुजरिम ही मुजरिम नजर आएंगे। जाओ अपना काम करो। हम तुम लोगों से बहुत खुश हैं। अगर
अगर इसी तरह होशियारी से काम होता रहा तो तुम लोग माला मार हो जाओगे। गुंडा यस कौन? आज रात की सही हालत हमें रजनी की खबर कर दो और तुम लोग कुछ बांट लो, बाकी सेट में रख दो और हमें ये बहुत पसंद है। काफी कितना खूबसूरत खूबसूरती खूबसूरत चीजें मांगती है। हाँ झूठी तारीफ करने में हमारे कौर साहब का जवाब है और आपका जवाब है जाइए। अगर हसीनों में याद आए ना होते नफासत कौन कहता है? बहुत बना चुके। अब ये बताओ कि ये हार हर महीने कहाँ से आते हैं? हमारे सब ये इरादे हैं कि ये हार हर हफ्ते बल्कि हर रोज पेश। ऐसी कौन सी चाबी हाथ लग गई है? क्या पोजीशन है? सब ठीक है बॉस। आज शाम को आप उधर स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी करेंगे और मैं शंभुनाथ हूँ। ओके बॉस। और अब मैं आज की सभा के प्रधान कुंवर साहब से प्रार्थना करूंगा कि वो कुछ कहें। भाइयों और बहनों, बड़ी खुशी की बात है कि आज आपके शहर में एक नए स्कूल का उद्घाटन हुआ है। जिस तरक्की से इस शहर में दया और धर्म के काम हो रहे हैं देखकर बहुत खुशी होती है। इस काम में बहुत सा हिस्सा श्रीमती दुर्गा देवी पांडे जी, ठेकेदार सुचरण जी और बहुत ही बड़ा हिस्सा शेठ शंभुनाथ जी का है। इनसे बढ़कर कुंवर साहब दानवीर कुंवर साहब का। आप लोगों को यह जानकर बहुत खुशी होगी कि जो आज का चैरिटी शो होने वाला है उसको ठेकेदार साहब की सुपुत्री आशा देवी और अपने हवलदार बनारसी दास पेश कर रहे हैं। अजब पैसे का फंदा है, अजब पैसे का चक्कर है, जहां देखो वहीं इंसान की पैसे से टक्कर है। दौलत बोले सेठ तिजोरी तोड़ दे, लाखों ही का भला है इसमें अब ये कैदी छोड़ दे। दौलत बोले सेठ तिजोरी तोड़ दे, लाखों ही का भला है इसमें अब ये कैदी छोड़ दे। Thank you.
रखा सूखा खाके हमने जोड़ा पैसा पैसा, तुमको कैसे देगा हमको समझा उल्लू जैसा, क्या समझा उल्लू जैसा। सुन बे मेहता, सुन बे मेहता, लाठी लेके ऐशों का सर फोड़ दे, लाखों ही का भला है तुझे अब ये कैदी छोड़ दे। छन छन करती दौलत मोले से तिजोरी तोड़ दे, लाखों ही का भला है इसमें अब ये कैदी छोड़ दे। रोजे दस बारह क्यों छीने, ये दौलत जो बाहर आए इससे चले मशीने, इससे चले मशीने। इसे उठा दे भर भर झोले से तिजोरी तोड़ दे, लाखों ही का भला है इसमें अब ये कैदी छोड़ दे। चन चन करती दौलत बोले से तिजोरी तोड़ दे, लाखों ही का भला है इसमें अब ये कैदी छोड़ दे। दौलत मेरी बांधी इसको उम्र कैद में डाला, इसमें हिम्मत है जो तोड़े मोटू राम का ताला, अरे मोटू राम का ताला। क्यों बे मेहता, क्यों बे मेहता है कोई जो इतना पैसा जोड़ दे, लाखों ही का भला है इसमें अब ये कैदी छोड़ दे। चन चन करती दौलत मोले से तिजोरी तोड़ दे, लाखों ही का भला है इसमें अब ये कैदी छोड़ दे। तेरे घर के सामने आके भूखों ने वश खाया, ओ निर्मोही शेख तुझे क्यों इन पे रहम आया, क्यों हम पे रहम आया। जीवन नैया डगमग डोले देख तिजोरी तोड़ दे, लाखों ही का भला है इसमें अब ये कैदी छोड़ दे। चन चन करके दौलत बोले देख तिजोरी तोड़ दे, लाखों ही का भला है इसमें अब ये कैदी छोड़ दे। तेरे सामने भूखा इंसान वश खा खा के लेटा, दे दे सब कुछ घर है सेठ करोड़ी मल का बेटा, सेठ करोड़ी मल का बेटा। सुन बे मेहता दिल मेरा बोले सेठ तिजोरी तोड़ दे, लाखों ही का भला है इसमें अब ये कैदी छोड़ दे। चन चन करती दौलत बोले सेठ तिजोरी तोड़ दे, लाखों ही का भला है इसमें अब ये कैदी छोड़ दे। चन चन करती दौलत बोले सेठ तिजोरी तोड़ दे, लाखों ही का भला है इसमें अब ये कैदी। तुम मेरे घर में ढका पड़ गया, मैं लूट गया इस वक्त में बर्बाद। शेर जी का भाई है, कौन थे? मालूम नहीं। कौन थे? बोलो। कौन थे? पिता है? पिता का नाम क्या है? शोध है। पिता का नाम क्या है? पिता का नाम क्या है?
मदन? यस सर, मैंने रिपोर्ट भिजवा दी है सर। मुझे बहुत अफसोस है सर कि आज सुबह सेठ शंभूनाथ का नौकर हॉस्पिटल में मर गया। कातिल का पता चला? तहकीकात जारी है सर। बड़े अफसोस की बात है सर मदन, चोरियां होती डाके पड़ते दिन दहाड़े खून होते लेकिन पुलिस सर तफ्तीश में उलझी रहती है, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। लेकिन सर डेट्स ऑल इंस्पेक्टर, डेट्स ऑल। कितने दुख की बात है कि पहले इंस्पेक्टरों की तरह इंस्पेक्टर मदन भी लूटपुर जाकर नाकाम रहा और ये लगातार नाकामी हमारे महकमे के लिए सख्त बदनामी का बायस। इंस्पेक्टर राजन क्या सर, बिगड़े हुए हालात के पेश नजर हमने ये फैसला किया है कि तुम नूरपुर जाकर वहां का चार्ज संभालो। अच्छा इंस्पेक्टर राजन, महकमे को हमेशा तुम्हारी खिदमत पर नाज रहा और मुझे उम्मीद है इस बार भी कामयाबी का फेरा तुम्हारे ही सर है। थैंक यू सर, मगर चार्ज देने से पहले मुझे वहां के हालात को करीब से जानना होगा, इसलिए मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि मेरी रवानगी को राज रखा जाए। ओके इंस्पेक्टर, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। And this is the right man for the job. बार बार पड़ी है तो मगर ये है तो मुझे कोई आवारा दिखाई दे रहा है। अरे नहीं, ये तो कुछ पागल दिखाई देता है मुझे। भाई तुम हो कौन? मैं पागल समझे या समझे आवारा, मैं दुनिया की सेवा करने फिरता मारा मारा। ओ
दुनिया मुझको पागल समझे या समझे आवारा, मैं दुनिया की सेवा करने फिरता मारा मारा। ओ, ताकत से भरपूर रखन है आपन दोनों बाजू, इंसाफ कोई से तोले जैसे हुई तराजू, जिसमें हो कुछ हिम्मत टिम्मत लड़ ले वह दोबारा, जी लड़ ले वह दोबारा। दुनिया मुझको पागल समझे या समझे आवारा, मैं दुनिया की सेवा करने फिरता मारा मारा। दुख में हो कोई बुढ़ा सुढ़ा या कोई लड़की मड़की, उन्हें बचाने मेरी ताकत बिजली बन कर कड़की, कर ले दो तो हाथ चाहे वो रुस्तम हो या दारा, अरे रुस्तम हो या दारा। दुनिया मुझको पागल समझे या समझे आवारा, मैं दुनिया की सेवा करने फिरता मारा मारा। आंधी बन के मैं आऊं और तूफान बन के छाऊं, जिस रुख पर भी मैं चाहूं इस दुनिया को ले जाऊं, इनका है ये दुनिया मैं हूँ तूफानों की धारा, अरे तूफानों की धारा। दुनिया मुझको पागल समझे या समझे आवारा, मैं दुनिया की सेवा करने फिरता मारा मारा। दुनिया मुझको पागल समझे या समझे आवारा, मैं दुनिया की सेवा करने फिरता मारा मारा। ओ, 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 अरे रोक का झांडा था अंपायर, तुम्हारे बाप के नौकर हैं क्या? हमारे खबरदार का बाप का नाम लिया था हमारे पैसे के बोलते तुम कमी से क्या चमनी का फसलों पर रहता है जोर बजाते कहीं कम पर रोक झांडा था, यह चोपी लगाई लाल धन के अंदर नहीं देता तो क्या हाँ नहीं देता जो हाँ। अरे पुलिस से खबर करते हैं हमारे ससुराल है पुलिस वाले, हाँ तो कहूँ साहब, क्या मैं उम्मीद रखूँ कि वो ठेका मुझे मिल जाएगा? बेशक मैं कहूँ और ना हो ये कभी हो सकता है। शुक्रिया शुक्रिया। मेरी समझ में नहीं आता कि इन सब एहसानों का मैं बदला कैसे चुका सकूँ। मेरा रंग क्या है, तो मेरे इलाके फर्ज है। हाँ ठेकेदार कहिए कहिए ना। मैं सोच रहा था कि अगर इन सर्दियों से पहले रिश्ता हो जाए, यही ना, तो मुझे कोई इनकार नहीं है। रहा आशा का सवाल, वो बाबूजी मैंने आपसे सौ बार कहा कि आप गाड़ी बदल। क्या हुआ? हेलो कंवर साहब, आखिर क्या हुआ? होगा क्या, बाबूजी गाड़ी बदलते नहीं हो, मुसीबत मुझ पर आ पड़ती। यानी गाड़ी आज भी बिगड़ गई? अजीत साहब यूँ कहिए कि कब नहीं बिगड़ती, और आज एक पागल भैया से भी वास्ता पड़ गया। पागल भैया से? वो कौन है बेटा? मुझे क्या मालूम बाबूजी, जाइए पहले गाड़ी मंगाने का इंतजार। अभी लो, क्या बात है आशा? मैं इतनी बार कहा तो बाहर जाया करो, मेरी गाड़ी ले जाया करो, लेकिन तुम्हें पसंद ही नहीं। इसकी क्या जरूरत, अपनी गाड़ी जो। अगर मेरी गाड़ी तो तुम्हारी गाड़ी है। मगर आशा इसमें इज्जत का सवाल, आज नहीं तो कल। और साहब
काश के दिन जल्दी आए। वो तो भूल चुक में कह दिया होगा, वो क्या करते हैं छोटे आदमी तो बातों को बुरा नहीं मानते। ठीक है, मगर ये नवाब साहब लगते हैं बाबूजी जैसे। अरे इससे हमें क्या, ठीक तरह खाना बना कर देगा तो रखेंगे, वरना बाहर निकाल देंगे। क्यों? ठीक है ठीक है, एक दफा मौका तो देकर देखो इसे। मुझे क्या करना है, जैसे आपकी मर्जी हो। अरे भाई जरा ध्यान से काम करना। आप चिंता मत करिए बाबूजी, मैं सब ठीक कर लूंगा, सब ठीक कर लूंगा। अरे ओ भैया जी, अरे भाई क्या हो गया, भूख लग रही है, जल्दी खाना लाओ। बेटा तुम्हें भी लग रही है? लग तो रही है बाबू। देखना बेटा, आज भैया जी ने ऐसे लजीज खाने बनाए होंगे कि बस तबीयत भरी हो जाए। मुझे तो उम्मीद नहीं। तुम्हें तो चिड़ हो गई है बेटा, वरना दही बड़े बनाने में तो उसका जवाब ही नहीं। मगर अब क्या खाए बाबू? अब वो आ गया। अरे जल्दी है, अरे तू बाहर की है क्या, जा है। अरे निकल 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 निकल। तो बहुत अच्छा खाना बनाता, बहुत अच्छा खाना बनाया। मुझे क्या मालूम बेटा, मैं कहीं से पकड़ लिया। आप ही तो बहुत तारीफ करते थे। क्या हो ठेकेदार साहब? बाबू जी ने एक अजब झुमका बावची रख लिया है। कुंवर साहब, सुबह से भूखा भरा खाना मिला तो ऐसा नमक मिर्ची हल्दी। होटल चलिए, वहाँ खाना खा लेंगे। अब खाएंगे बाबू जी, अब तो भूखी मर गई। ओहो तो राधा क्या भूखे रहेंगे, भूखे रहेंगे। हाँ बेटा भूखे कैसे रहेंगे, चलो और पगड़ी ले आना जल्दी से।
10 बज गए और तुम्हारे ये प्रिंस और झंझूर अभी तक नहीं आए। आता ही होगा, दरअसल आजकल के प्रिंस लोग वक्त के जरा कम पाबंद होते हैं। तुमने इनके मुतालिक पूरी छानबीन कर ली है ना, ये कौन है क्या है? भला मैं धोखा खा सकता हूँ? आसामी कैसी है? मुर्गा तो भारी है पर ये हमारी कैंची पर आधार है। तुम्हारी कैंची तो काफी तेज है, जहाँ पड़ गया है खाल तक काट लेती है। निम्टो तुम्हारा ही शिकार है। वेरी गुड। बहुत अच्छे। आइए आइए तशरीफ लाइए। अरे जवाब नहीं साहब, क्या खूबसूरत जगह है आपकी। वाह 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 वाह, ऐसी जगह पे तो हमारा दिल फिसल जाता है। कुंडा साहब, वो कुंडी का है, कुंडी वो मेरा मतलब है वो। हाँ, ना शुरू हो, जल्दी शुरू हो, बहुत जल्दी शुरू हो, हम बहुत बेचैन है। कहाँ है वो, कहाँ है कुंडा साहब, नजर नहीं आई अभी तक। आती है। सलाम लो कल का वादा पक्का, हंस के मेरा नाम लो कल का वादा पक्का। तुड़ लो आज का सलाम लो कल का वादा पक्का। हसीनों की निगाह से दिल रखो संभाल के, हसीनों की निगाह से दिल रखो संभाल के, उड़ा न ले तुम्हारा दिल निगाहें नाज डाल के। का पयाम लो कल का वादा पक्का, आज का सलाम लो कल का वादा पक्का। तुड़ लो खुशी के इंतजाम में डुबो दे जिंदगी के हम, खुशी के एक जाम में डुबो दे जिंदगी के हम, के दुख बहुत है जिंदगी में सुख मगर बहुत है कम। दे जो नाम लो कल का वादा पक्का, आज का सलाम लो कल का वादा पक्का। संभल के चल जरा कदम कदम पे जाल है, संभल के चल जरा कदम कदम पे जाल है, समझ के पाता फेंक ले ये जिंदगी की चाल है। अभी ही नाम लो कल का वादा पक्का, आज का सलाम लो कल का वादा पक्का। डोलो बहुत अच्छे पर आपकी हमारे दिल को हिला दिया, कपा दिया, क्यों कपा दिया, क्यों शर्मिंदा जी? नहीं मिस्टर गुंडा, हम कभी किसी को शर्मिंदा नहीं करते, मैं सच कहता हूँ आपकी
देखकर हमें फ्रांस की उस मशहूर नाचने वाली की याद आ गई, वो पेरिस में पॉलिश बर्जेर में, वो नीली नीली आंखें, वो भूरे भूरे बाल, और क्या नाम था उसका, मैडम पोम्पडो, 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 मैडम पोम्पडो। इसका मतलब है आप फ्रांस में ही आए? आपकी तारीफ, आप भी आपकी की तरह हमारे मौजूद मेहमान। हाउ डिड यू सर, मैं नाश्ते में चू, हाउ डिड यू, मैं नाश्ते में चू इंडीड। मैं तो समझा था कि आप यहाँ के मालिक हैं, मेरा मतलब है यहाँ का काम वाम चलाने वाले, यहाँ का माल उधर, वहाँ का माल इधर, ये सब रिकमरोल करने वाले। नहीं, ओहो, ऐसा महसूस होता है कि मैंने आपको कहीं देखा है, रशिया, फ्रांस, इंग्लैंड, जापान, वगैरह कहीं कहीं जरूर देखा है मैंने आपको। मुझे ख्याल पड़ता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। कहाँ देखा? समझ में नहीं आ रहा, मगर देखा जरूर है। कहाँ जा रहे हैं आप? बिजनेस करिए, मैं भी हाजिर हूँ। ऑलराइट, सी यू लेटर ऑन, सी यू लेटर ऑन। बड़ा चालाक बनता है, कहता है कि आपकी तिजारत में मेरा आधा हिस्सा। मिस्टर कुंडा, ये बात गलत है, मुझे यहाँ किसी पे दबाव नहीं। मैं तिजारत करूंगा तो आपके साथ और किसी के साथ नहीं। गुड, और माल भी जाएगा पानी के जरिए से। क्यों? पानी राशि है ना मेरी, और साथ में पुलिस को इतला नहीं होगी, उनको कुछ मालूम नहीं होगा, सब काम ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, क्या दिमाग लाया। आधी रात के वक्त कौन घंटी बजा रहा है, और भैया भी लंबी तान के सो रहा है। वो तुम्हारा भैया बाबा कहाँ है? जो ऊपर सो रहा होगा, ये देखना है। बात यह है कि हम आपसे बातें करना चाहते हैं। Sure. इस तरह की बातें हैं कि हम जो कहेंगे आप मानेंगे? Oh, yes. Are you sure? Sure. Definitely. Oh, yes. हमने फैसला कर लिया है कि हम आपसे शादी करेंगे। शादी? Oh, it's so sweet of you. Oh, you really, you mean it? Oh, sure. आप हमसे शादी करेंगे? Really, darling. Really? आप समझती हैं हम बेवकूफ से आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? Oh, no, darling. Believe it. Believe it. Oh, sure. चलो अभी शादी होगी। देखो देखो दिल ले गया हमारा। ये पिस्तौल कहाँ से लाई? आप बताइए।
मुझे मालूम। आपकी किधर आपको नहीं मालूम? तो यानी तुम्हें मालूम हो गया? जी हाँ, मुझे सब कुछ मालूम हो गया। और ये भी मालूम हो गया है कि आप बावर्ची नहीं है और नहीं छैला है। तो फिर बताइए ना कि आप कौन हैं? अगर मैं ना बताऊं तो मैं शूट कर दूंगी। शूट करो, शूट करो, जरूर करो, लेकिन उसको गोली वाली कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये गोली कहाँ से आई? गोलियां, गोली नहीं, गोलियां। सब मालूम हो गया। बहुत चालाक मालूम होते हैं आप। बेटा तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ, मैंने दूसरे बाबाजी का इंतजाम कर लिया है। और भैया जी, मुझे छुट्टी। पर बाबूजी। मगर बेटा, तू ही तो कहती थी इसका खाना पकाया हुआ तुम्हें पसंद नहीं। कैसी थी बाबूजी? मगर आजकल ये बहुत अच्छा खाना बनाने लगी है। क्यों? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चलिए बाबूजी, अब मैं क्या कर रही हूँ? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब बताओ कि तुम कौन? आपका क्या ख्याल? मेरी आंखें कहती है ना तुम चोर हो ना लूटे, सही, ना बदमाश ना गुंडे, ये भी सही। मगर मेरा दिल कहता है कि क्या कहता है दिल आपका? मेरा दिल कहता है कि आप यहाँ किसी बहुत बड़े मकसद से आए। हो सकता है, हो सकता है। अच्छा बताइए, आपको अपने मकसद में कहाँ तक कामयाबी है? काफी कामयाबी हो चुकी है और काफी कामयाबी हो रही है। बनारसी दास, वाह वाह वाह, भगवान की दया से मुझे तो यही उम्मीद थी। मुबारक हो। माफ कीजिए, मुबारक हो। किस बात की? सरकार तरक्की का तार है, जश्न मनवाइए। हुजूर कव्वाली जरूर करवाइएगा। कव्वाली? बनारसी दास, तुझे कव्वाली की सूझ रही है और इधर से अपना बिस्तर गोल हो रहा है। हुजूर किसकी मजाल है जो आपका बिस्तर गोल करे। भगवान की दया से आप, आप, आप तो आप ही है भाई बाप। ये हेड ऑफिस का तार है, 4 तारीख को नया इंस्पेक्टर यहाँ का चार्ज लेने के लिए आ रहा है। ये तो मुझे पहले ही मालूम था कि भगवान की दया से एक न एक दिन ऐसा होने ही वाला है, लेकिन इतनी जल्दी छुट्टी हो जाएगी इसका मुझे ख्याल नहीं था। बनारसी दास, हुजूर सच बात मुंह से निकल ही जाती है। इंस्पेक्टर साहब मर गए। कौन मर गए? हम सब मर गए। क्या मतलब? भगवान की दया से मतलब बिल्कुल साफ है। इंस्पेक्टर साहब, वो नए इंस्पेक्टर साहब आ गए। क्या बकते हो? वो तो 4 तारीख को यहाँ आने वाले थे। भगवान की दया से बकता नहीं, जो कुछ कहता हूँ सच कहता हूँ। अरे उनको यहाँ आए हुए बहुत दिन हो गए हैं। वो लंबी चोटी, वो ढीली धोती, भैया राम प्रसाद बनारस वाले, वही तो थे। बनारसी दास, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। हाँ, आपको मजाक सूझ रहा है और मेरे जान पर बनी है। मैं भैया को 2 मरतबा पटक चुका। आगे सामने देखिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर राजन फ्रॉम सेंट्रल हेडक्वार्टर्स। प्लीज टू मीट यू। मुझे यहाँ का चार्ज लेना होगा। मुझे इसकी इत्तला मिल चुकी है। हे राम, सरकारी प्रोग्राम के मुताबिक तो मुझे यहाँ 4 तारीख को आना चाहिए, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि मैं पिछले 1 महीने से यहाँ मौजूद हूँ। मैं जान सकता हूँ कि इस बैरू की खास वजह? शहर के बिगड़े हुए हालात को करीब से देखना। मकसद में कामयाबी किसी हद तक हो चुकी है। तो मुबारक हो इंस्पेक्टर राजन, हमें तो नाकामियों के सिवा कुछ ना मिला और ऊपर से नौकरी खतरे में पड़ गई है। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है इंस्पेक्टर। तुम आज तक जिन इलाकों में काम करते आए हो, वहाँ के चोर डाकू यहाँ के चोर डाकू से मुख्तलिफ। वहाँ बाहर के लोग चोरी करके आए हैं और यहाँ अंदर के लोग चोरी करते हैं। क्या दुरुस्त? आप यहाँ के कॉन्स्टेबल? जी 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 जी। हाँ, अरे सर्विस में जोकर थे आप? भगवान की दया से जोकर देखने का मौका नहीं मिला। कैसे होते हैं? ओह शट अप,
ये को लिबास आपका ड्यूटी बनेगा। जी 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 मेरी छुट्टी है, छुट्टी है। ओ इधर फाइल की भी छुट्टी है, फाइल की भी छुट्टी है, इन कुर्सियों की छुट्टी है। रात खोल के देखिए, ये कोई ये कोई मजाक की ड्यूटी है क्या? बड़ी-बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर, लोगों पर आपका असर पड़ता है। अगर आपकी सुस्ती का ये आलम रहा तो पब्लिक की सेवा कहाँ करेंगे? इंस्पेक्टर राजन, ओ आप जाइए यहाँ से और छुट्टी खत्म हो जाए तो इंसान बनकर वापस आइए, वरना कहीं मुझे आपको लंबी छुट्टी न देनी पड़ जाए। मुझे शहर की चंद आदमियों के मुताबिक आपसे कुछ पूछना है। अरे संतरे लाओ, बाहर जाओ, यू आर टू प्राइवेसी है। श्योर श्योर। तुम सच कह रही हो बेटी? वो भैया ही ना इंस्पेक्टर? हाँ बाबूजी, सोला ने वही है। मगर बेटा अच्छा कहाँ चले बाबूजी? अरे उनसे माफी मांगने, वो क्या कहते हैं कहीं अंदर ही ना करवा दें। छोड़िए ना बाबूजी, वो सब तो अनजाने में हो गया था। वैसे वो आदमी है बहुत अच्छे, लंबे तड़ंगे खूबसूरत, पुलिस का लिबास किसी को सस्ता है तो बस उन्हीं को सस्ता है। वाह 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 बेटी, कैसी कही, फिर तो वो जरूर अपने पिशावर के होंगे। अरे पिशावर का हर आदमी पुलिस इंस्पेक्टर नजर आता है। और सुना है बाबूजी, जहाँ भी वो जाते हैं लोग उनकी देवता की तरह पूजा करने लगे। हाँ हाँ, बदमाश सुनने तो उनका नाम सुन के बेहोश हो जाए। तब तो सारे शहर की गड़बड़ बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी? हाँ। अजी बंद हो गई समझिए। सुना है इस बहरुख में उन्होंने ऐसे ऐसे राज मालूम कर लिए कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हाँ। क्या कहना है बाबू जी कि इस लूटमार के पीछे किसी बहुत बड़े आदमी का हाथ है? बहुत बड़े आदमी का? हाँ, मगर वो हो कौन सकता है? नमस्ते ठेकेदार साहब। कैसी हो? वो क्या कहते हैं, नए इंस्पेक्टर मुबारक हो, अब आपकी चोरियों का भी पता चल जाएगा। रहने दीजिए ठेकेदार साहब, गई हुई चीज भी कहीं वापस आती है? जरूर आ सकती है साहब, मगर क्या कहते हैं, लाने वाला चाहिए। ठेकेदार साहब, मेरा ख्याल है कि इस राजन इंस्पेक्टर को अपने काम में इतनी कामयाब नहीं होगी जितने हम सोच बैठे। वो क्यों जी? इसलिए कि जो डाकू भी कोई मामूली शय नहीं होते। जैसे ये इंस्पेक्टर दूध पीता बच्चा है, मैं कहती हूँ देख लेना, दो चार दिन में सबको अंदर कर देगा। अरे बेटा सबको? हाँ बाबूजी, मेरा मतलब ये है जो लोग इस तरह के काम करते हैं उनको। हो, बहुत खूब। मालूम होता है आशा देवी को इंस्पेक्टर से काफी दिलचस्पी हो गई है। क्यों ना हो जी, क्यों ना हो, आशा तो इंस्पेक्टर से कई दफा मिल चुकी है और वो क्या कहते हैं उसकी कई दफा मरम्मत भी कर चुकी है। क्यों बेटा? हाँ बाबूजी। नमस्ते। नमस्ते। और ठेकेदार अपनी लड़की भी निगाह रखो, कहीं उस इंस्पेक्टर की हकड़ियों से ना बन जाए। अजी छोड़िए कंवर साहब, मैं तो इतना भोला नहीं हूँ। अच्छा कंवर साहब, वो अफीम के ठेके का क्या हुआ? मैंने सिफारिश कर दी, तो मिल जाएगा। शुक्रिया। ये बताओ कितना माल खाओगे? अजी आपकी मेहरबानी रही तो 20,000 से कम क्या मिलेगा उस्ताद? काफी तेज हो। कुंदा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बॉस। अब शर्मिंदा होने का फायदा, वो हमारा दो दफा बेवकूफ बना चुका है, एक दफा भैया बनकर, एक दफा प्रिंस ऑफ झंझुरा बनकर। अब बेहतरी इसी में है, जगह बंद कर दो। आखिर ये सिलसिला कब तक रहेगा? जब तक हम नए इंस्पेक्टर का इंतजाम न कर दें। ठेकेदार साहब, आज वो खास दही बड़े नहीं बने? अजी उसका तो जवाब नहीं, इतने मिर्चे खिलाए कि अभी तक मुंह जल रहा है। क्यों? हाँ तो कुंवर साहब, फिर मैं उम्मीद रखूं कि आप मेरे कामों में मेरी मदद करेंगे। यकीनन, हुकूमत की मदद करना तो हमारा फर्ज है। अगर आपको आधी रात को भी मेरी खिदमत की जरूरत है तो बंदा हाजिर है। थैंक यू वेरी मच कुंवर साहब, थैंक यू वेरी मच। लीजिए, ये मैंने खास तौर पर आपके लिए तैयार किए हैं। और ये मैं खास तौर पर आपके लिए खाऊंगा।
हाँ तो कुंवर साहब, मैं कह रहा था कि हमें एक दूसरे से फिर मिलना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को और करीब से जान सकें। जरूर, तो मैं हाजिर हूँ, आप तशरीफ लाइएगा। ओह वंडरफुल, यू आर मोस्ट वेलकम। आप आइए ना कभी। मैं हाजिर हूँगा। और हमारी जो मुलाकात है उसका मकसद सिर्फ यही होगा कि जैसे शहर के बिगड़े हुए हालात है उनके बारे में कुछ डिस्कस कर सकें कुछ। आप इस शहर के जबरदस्त आदमी हैं। शुक्रिया शुक्रिया। आप चाहें तो यहाँ के हालचाल ठीक हो सकते हैं। मैंने अभी आपसे अर्ज किया ना कि जो कुछ मैं कर सकता हूँ हाजिर हूँ। हाउ वंडरफुल, जैसे जैसे हम करीब आ रहे हैं इश्क बढ़ता जा रहा है। दीदी आपने तो कुछ भी नहीं खाया। वो नहीं, ये लीजिए। वो क्या, इसको क्या हो? नहीं, ये बहुत अच्छा है। नमक तो ठीक है ना? कौन सा नमक? और मिर्च? मुझे मालूम। पानी तो? क्यों, आपकी तबीयत ठीक है? नहीं। माफ करना बाबूजी, मैंने इनके लिए बनाया था और खा लिया आपने। ये लीजिए बिस्किट खा लीजिए। दही बड़े का बदला ले रही थी मुझसे। वो पुलिस स्टेशन पर लाया जाएगा। क्या हुक्म है? गुंडा? यस बॉस। सुनो,
मुबारक इंस्पेक्टर राजन, ये मेरी ही नहीं बल्कि सारे शहर की आवाज है। यहाँ की इतनी बिगड़ी हालत जो आपने सुधारी है, ये आप ही का कमाल है। थैंक यू वेरी मच शोहर साहब, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी मुझे अपने मकसद में उतनी कामयाबी हासिल नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। जब तक मैं उन गुंडों के सरदार को जेल खाने की सलाह पर बंद नहीं कर लूंगा, मैं समझता हूँ कि मेरी कोशिशें नामुकम्मल हैं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आपका ख्याल है कि उन गुंडों को सरदार है? सरदार तो जरूरत है साहब, लेकिन मुझे अफसोस है कि इस वक्त भी मैं आपको ये राज बता नहीं सकता। आप तो ऐसी बातें करते हैं जैसे कि आप मुझे जानते हैं। अजी मैं तो आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ साहब, कई महीनों मैंने आपका पीछा किया है मिस्टर गणपत। मगर मेरा नाम गणपत नहीं है। अच्छा, आपके तो कई नाम है। जबलपुर में आप थे मान सिंह, बम्बई में आपका नाम था शंकर नाटा, कलकत्ते में आपका नाम था पी के चौधरी, और पेशावर में आपका नाम था मोहम्मद यूसुफ खान। अजी आपके नाम के पीछे कुछ नई नई दास्तान छुपी हुई है। ये गलत है इंस्पेक्टर साहब, ये बिल्कुल गलत है इंस्पेक्टर साहब। आप खामखा मुझे मुजरिम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जबलपुर के गुरंदी बाजार में आज तक वो बुढ़िया मौजूद है जिसके आपने 20,000 रुपए गायब किए। दिल्ली में वो जवान लड़की अभी तक मौजूद है जिसके साथ आपने शादी की, और सुहाग रात को उसके कपड़े और सेवा लेकर आप गुल हो गए। काबुल में वो राइफल वाला पठान अभी तक मौजूद है जिसके साथ आपने धोखा किया। आज तक आपके खून का प्यासा है। ये सब मैंने नहीं किया। किसने किया? मैंने जानते इंस्पेक्टर साहब। तुम बकते हो, आज तक तुम्हारा ताल्लुक गुंडों के गिरोह के साथ है। बताओ कौन है जिसके शहरों पर तुमने आज तक, बताओ। मिस्टर राजू, मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो। इन आंखों से तुम्हें डर लग रहा है, इन आंखों में तुम्हें बुढ़िया नजर आ रही, इन आंखों में तुम्हें वो जवान लड़की नजर आ रही, इन आंखों में तुम्हें वो पठान नजर आ रहा, इन आंखों में तुम्हें वो पठान नजर आ रहा है। तुम्हें बताना होगा। चले जाओ, कुछ देर के बाद अपने आप पक देगा। तुम्हारा नाम गोविंद? कानून ही गोविंद। तुम्हारा नाम जी? अर्जुन। अब्दुल जी नहीं सरकार, मेरा नाम अब्दुल है, मेरा नाम तो अर्जुन है सरकार। और तुम्हारा नाम? बाबू। और शेर? जी नहीं, मैं शेरू नहीं हूँ, मेरा नाम बाबू है। बताओ गणपत ने गोली किसने चलाई? जी मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम? जी मैं कुछ नहीं जानता हूँ साहब। तुम? साहब मुझे कुछ मालूम है। तुम सब जानते हो लेकिन बताना नहीं चाहते। आप जानते हैं कौन है? शिमला जी? जी नहीं। आप पहलवान जी? पहलवान जी? जी जी नहीं। आप कहाँ से जी? जी नहीं। आप जानते हैं, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कौन है। ये वही लोग हैं जो आपके घरों में चोरियां करते हैं, डाके डालते हैं, और आप इन्हें पहचानते हुए भी नहीं पहचानते। राशि ले जाओ। ये बदमाश खुद पैदा नहीं होते, इनके जिम्मेदार आप हैं। आपका डर आपकी बुजदिली ने पैदा करती है। मैं आप लोगों से फिर से इंतजार करता हूं, आप हिम्मत से काम लीजिए, पुलिस का साथ दीजिए। चोरियां, ये डाके, ये बदमाशियां से बंद हो जाएंगे। आप अपनी हिफाजत खुद करना सीखिए। पुलिस आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार, हर वक्त तैयार, समझे आप?
भाई। देखो मैं बाहर जा रही हूँ, तुम घर का ख्याल रखना। नमस्ते। नमस्ते बाबूजी, घर पर नहीं है? नहीं है। बहुत खूब, तुम तो हो। ये चटक मंजन होके कहाँ जा रही थी? घूमने जा रही हूँ। बहुत खूब, तो फिर हम भी घूमने चलेंगे। मैं अपनी सहेली के पास जा रही हूँ। जब तुम झूठ बोलते हो कितनी बड़ी बातें होती हैं, सर हमें पता लगे। वो सहेली कौन सी है? वो पद्मा है ना, पद्मा, उसकी बहन रूपा, उसके पास जा रही हूँ। पद्मा ने इंस्पेक्टर राजन सुना है आजकल मेल मुलाकात बढ़ता जा रहा है। क्या मतलब? मतलब साफ है, बाप कमजोर है और बेटे को उड़ने की आदत है। ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो दुनिया वाले कल कहेंगे, मैं आज कह रहा हूँ। आप मुझे खामखा बदनाम करने की कोशिश? आशा, सोच लो, जिस रास्ते पर तुम जा रही हो वो ठीक नहीं। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी गलतियों की सजा तुम्हारा बाप भुगते। हाल दिल तुमसे कहना है। कहिए। अगर हो सके मेरी आँखों में रहिए। हमें हाल दिल तुमसे कहना है। कहिए। अगर हो सके मेरी आँखों में रहिए। सहना है। सही। अगर हो सके मेरी आँखों में रहिए। हमें हाल दिल तुमसे कहना है। सही। अगर हो सके मेरी आँखों में रहिए। जमाने का हर जाल हंस हंस के तोड़े, कभी हम वफाओं का दामन न छोड़े। जमाने का हर जाल हंस हंस के तोड़े, कभी हम वफाओं का दामन न छोड़े। मोहब्बत की मौजों में बहना है। कहिए। अगर हो सके मेरी आँखों में रहिए। हमें हाल दिल तुमसे कहना है। कहिए। अगर हो सके मेरी आँखों में रहिए। होश में हो न दिल होश में है।
के तू ही निगाहों की आ होश में है, न मैं होश में हूँ न दिल होश में है, कि तू ही निगाहों की आ होश में है। मोहब्बत में मत होश रहना है, अगर हो सके मेरी आँखों में रहिए। हमें हाले दिल तुमसे कहना है, कहिए, अगर हो सके मेरी आँखों में रहिए। रजू कौन? हेलो डार्लिंग, सो गए थे क्या? नहीं, यही जरा चटकी सी आ गई थी। सुनो, मैं आज रात को नहीं आ सकूंगा। तुमने बोला था ये कौन है? बस यही बुरी बात है तुम्हें, दिन भर इंतजार करवाते हो और जब खैर से रात आती है तो तुम्हें कोई ना कोई परेशानी आ खेती है। अरे वो तुम्हारे नए इंस्पेक्टर ने परेशान कर रखा है। जाइए साहब जाइए, आपको रोकने वाले हम होते ही कौन है? हेलो, हाँ हाँ पुलिस थाना है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, बोलो। सलाम मित्र, जरा कहिए मेहता रिसीवर नीचे गिर गया है। हाँ मेहता, हाँ 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 अभी बुलाता हूँ। ओहो आप है, हमारी क्या तकलीफ है आपको? थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाओ ना। क्यों? मुझे आपसे कुछ बातें करनी। काहे के बारे में? ये भी समझाना पड़ेगा। खुद ही दर्द देती हूँ, खुद ही दवा पूछते हूँ। माफ कीजिए मैम साहब, आपकी बातें कुछ मेरी समझ में नहीं आ रही। सुनिए सुनिए तो। शेखर राणे कपूर कपूर चलो। गोली के निशान तो कहीं नहीं बना सी। जरूर शायद बेहोश हो गई है, जूता सुंगा ये होश में आ जाए। ओ बिहेव योरसेल्फ। रश्मि 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 उसमें आ रही है, आ रही है रश्मि। अरे उधर से उठाई उठाई होश में आ जाएगी। उठाई रश्मि होश में आओ। क्या हुआ रश्मि? बोलो क्या हुआ? बेहोश हो गई। मैं कहता हूँ जूता आजमा होश में आ जाए। होश ना, बोलो हुआ क्या? आज फोन रख दिया अपने फोन। क्या हुआ कुछ बताओ जीवन ने तो। देखता क्या, जल्दी डॉक्टर बुला के लाना। हुजूर दना ना मर्दा ना। ओ किसी को बुलाओ, जल्दी लाओ। That's a very funny situation indeed. किसी का बच्चा नजर तो आएगा, पता नहीं कौन सा डॉक्टर लाता। शर्म नहीं आती तुम्हें? मोहब्बत में शर्म कैसी? आखिर तुम चाहती क्या हो? इस
का जवाब बिना खुशी पूछ डाली जो रात भर तेरे सपने देखती है। मर्दों की रात होती ही ऐसी है। अच्छा बाबा, मर्दों की रात ऐसी होती है, औरतों की रात बड़ी अच्छी होती है। तू मेरा पीछा छोड़ना, मुझे ड्यूटी पे जाना। सॉरी डॉक्टर, आई क्योर्ड द पेशेंट। डॉक्टर आपने क्या देखा? देख लो। वाह वाह वाह, मरीज ठीक हो गया। तो छुट्टी? मेरी फीस? फीस को भी छुट्टी। डॉक्टर अब टाइम आप यहाँ इस वक्त कौन सा? पार्टी से लौट रहा था, बाहर मालूम हुआ कि आप अभी तक दफ्तर में हैं, तो मैंने सोचा जल्दी मिली दूं और मालूम करूं कोई नई वारदात तो नहीं हो गई। नई वारदातों की काफी फिक्र है आपको। क्यों नहीं, मैं उस दिन आपसे पार्टी वादा कर चुका था ना कि मैं आपकी मदद करूंगा। लाला राम शरण के यहाँ से मुंदरजा जैन माल चोरी हुआ, 2000 रुपए नकद, 3000 का सोना, 2000 के हीरे, 1 मोती का हार, 4000 की मिलकी, कुल मिजान 11000 रुपए। अब आपको चोरी बंद करनी चाहिए। करूंगा बंद, जरूर करूंगा बंद, और वो भी आप जैसे लोगों की मदद करूंगा। मैं आपके साथ बिल्कुल। अच्छा मैं चलू। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। प्रणाम सिंह, प्रणाम सिंह। कौन साहब का पीछा करो, बिल्कुल कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, सुबह कोर्ट आके दो। भगवान की दया से अभी गया और अभी आया। हुजूर क्या खबर है बनारसी? हुजूर भगवान की दया से हमने सब बात का पता लगा लिया है। मैं कुंवर साहब के पीछे ही पीछे गया, वो कुंवर साहब सीधे रजनी के मकान में घुस गए, मैं समझा न जाने क्या बात है। उसके बाद हम दोनों ने खिड़की में से झांक कर देखा, बहुत से आदमी बैठे थे, कुछ गड़बड़ चल रही थी, मैं समझा न जाने क्या बात है। उसके बाद हम लोग बहुत देर तक वहां खड़े रहे, बहुत देर के बाद वो लोग आए और सीधे गाड़ियों में बैठ कर चले गए, मैं समझा न जाने क्या बात। मैं समझ गया, मुझे शक है कि चोरी का माल रजनी के यहाँ पहुंचा। हाँ तैयारी करो, मैं भी जाना होगा। हेलो हेलो डार्लिंग, पुलिस आ रही है 5 मिनट में। पुलिस आ रही है 5 मिनट में? हाँ, उस हार के सिलसिले में। होशियार है ना, कहीं घर ना पिटने पाए। खैर घबराने की कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगी। रजनी कहाँ? कहाँ है तुम्हारी मालकिन? कौन है? इंस्पेक्टर राजन। ओह इंस्पेक्टर आप, कहिए फिर इतनी जल्दी कैसे आना हुआ? अजी आप बाहर तो आई है। जहे नसीब जो आपने बुलाया, जरूर कुछ खुशखबरी लाए होंगे। वाकई मैं तुम्हें लेने आया हूँ। झोली लेकर? झोली तो नहीं लेकिन बारात लेकर आया हूँ। Thank you.
यकीन हो गया। यहाँ तो सारा थाने का थाना ही हाजिर है। गिरफ्तार करोगे इंस्पेक्टर? अजी साहब, हम तो कब की गिरफ्तार हो चुके। तुम्हें तलाशी ले रही? हाँ, तो क्या हम चोर भी हो गए? खैर, तीर पे तीर चलाओ, तुम्हें डर किसका है? दिल ये किसका है, मेरी जान जिगर किसका है? खत्म हो गई शायरी? ले लो तलाशी। घर की तलाशी तो हो चुकी है, अब हमें तुम्हारी तलाशी लेनी। मेरी तलाशी लोगी? जा ले लो, ये अरमान भी पूरा कर। चंदा, इनकी तलाशी लो। इसके पास तो कुछ भी नहीं। ओ अच्छी, चार बज गए और अभी तक चाय नहीं मिली। बिहारी, ओ बिहारी, अबे जल्दी कर, मारे भूख की अंतड़ियां जूतों में धसी जा रही हैं। बिहारी, कवर साहब के लिए चाय लेना। अब क्या कहते हैं, कुछ खाने को भी? मैं चाय नहीं पीऊंगा। क्यों? मैं सिर्फ आपको याद दिलाने आया हूँ कि आज रात को मेरे जन्मदिन की पार्टी है और आप आना ना भूलिए। हाँ जरूर जरूर। आशा कहाँ है? आशा? आशा यही कहीं होगी। बिहारी, आशा कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब आए थे, उनके साथ घूमने गए। हाँ हाँ, इंस्पेक्टर साहब साथ गई होगी, मगर कमर साहब वो पार्टी के वक्त लौट आएगी। सरकार दिखता भी नहीं है। बेवकूफ साहब, रात देरी होगी खाना खाने। अहमक, तुमसे किसने कहा पागल? ठेकेदार, सुन रहे हो? इधर मैं आज रात की पार्टी में आशा शादी करने का ऐलान करने वाला था, उधर आपके साथ शादी, उस इंस्पेक्टर के साथ गुलछरे उड़ा रही है। गुलछरे? शिवचरण, मुझसे चालबाजियां बंद। कंवर साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारी ऐसी कौन सी हरकत है जो मुझसे छुपी हुई है? 20,000 के बिल तुमने 1,00,000 में पास कराए, खैराती अस्पताल के चंदे तुम सब हजम कर गए, रेत तुमने सीमेंट करके बेची, ऐसी कौन सी बेईमानी है जो तुमने नहीं की? कंवर साहब जरा आस्ता बोलिए, हम कुछ सुन लेगा। यही तो मैं चाहता हूँ, कुछ सुन ले। खासकर तुम्हारी बेटी सुने और तुम्हारे मुंह पर थूके, वो इंस्पेक्टर सुने, तुम्हारे हाथ में हथकड़ियां डाल के बंद कर दे। कंवर साहब, मैं आपके पांव पड़ता हूँ, मेरी इज्जत आपके हाथ में है, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दीजिए, मैं अपने लड़के समझा लूंगा। शिवचरण, खड़े हो। पार्टी में 4 घंटे बाकी हैं, आशा और तुम दोनों वहां नजर आने चाहिए, समझे? वरना मेरे ख्याल से सब इंतजाम ठीक ही है। यस बॉस, पूरी तैयारी है। मुझे सोचा ही है बॉस कि आप यहाँ बैठे और आशा देवी वहां बैठे। लेकिन तूने बुलाया किस किस को? मेहमानों में से सेठ शंभू नाथ, सेठ गुलजारी नाथ, पांडे जी, हेड मास्टर, होस्टर साहब, इंजीनियर साहब, ठेकेदार साहब। अरे अपने वकील साहब बुलाया कि नहीं? हाँ हाँ, जरूर तो शिफ्ट लाएंगे। बात मेरी तरफ से अभी से मुबारकबाद। शुक्रिया। क्या सोच रही? मैंने जो कदम उठाया, कहीं बल साबित ना हो। क्या मतलब? आज 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 क्या आशा? Thank you.
दूंगा। इतनी देर हो गई ना, अभी ठेकेदार आया है ना आशाई, जगह देखो कैसा क्या है। बॉस, आशा दीदी तो घर में नहीं है, अब ठेकेदार तो पता है। हमको है उनसे वफा की उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। तुम्हें पार्टी में जरूर जाना चाहिए था आशा। किस लिए? वो अपनी दुल्हन बनाने का ऐलान कर देता है। अरे ऐलान करने से क्या होता है? बहुत कुछ होता है, आप उन लोगों को नहीं जानते। अरे उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, उसका छुपने से क्या फायदा। और मैं कभी कह सकती हूँ, हिम्मत से काम लो, तो अपने बाबूजी के साथ साथ करो। बाबूजी, बाबूजी को अगर मेरे जज्बात की परवाह होती तो यह आज पार्टी क्यों बुलाई जाती। उन्हें तो कुंवर साहब के ठेके चाहिए, कुंवर साहब की दौलत चाहिए। राधा, आप लोगों ने यहाँ आने का कष्ट किया, मैं उसके लिए आपका बहुत शुक्रगुजार। हर साल की तरह जो भी कुछ मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ वो हाजिर है, और उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वीकार करेंगे। ये 5,000 रुपये समिति के लिए, ये विधवा आश्रम के लिए 5,000 रुपये, ये हमारे स्कूलों के लिए, और ये बच्चों के अखाड़े के लिए। जय सियाराम आपकी। रजनी जी नमस्ते। नमस्ते। मेरा ख्याल है रजनी जी, इस खुशी के मौके पर अगर आप भी दो बूंदे रस की टपका दें तो सोने पर सुहागा हो जाए। लेकिन कुंवर साहब को इस मौके पर मेरा नाचना गाना पसंद आए ना आए, ये बात है। कुंवर साहब, अजी कुंवर साहब, आपको क्या मेहमान लोग ऐसे ही प्यासे चले जाएंगे? तो फिर इजाजत दीजिए। ओ क्यों नहीं, आप दिल से कह रहे हैं? किसी कारण दिया जल हाथ में आके छूट गया, दिल का नाजुक नाजुक शीशा छेद लगी और टूट गया, छेद लगी और टूट गया। हाय किसी कारण दिया जल हाथ में आके छूट गया। बिजली तपदीर की आंधी चार किस्म ने जन्नत दी, है बीमारी मोहब्बत हमसे तेरी नब में डूब चली, चुपके चुपके तेरी दुनिया घर का भेदी, हाय घर का भेदी लूट गया, घर का भेदी लूट गया। हाय किसी का रंगी आचल हाथ में आके छूट गया। Thank you.
वो नजरें ढूंढ रही है, हाय वही महफिल में नहीं। थोड़ा सा भी दर्द मोहब्बत उस जालिम के दिल में नहीं। दिल वालों को रंज यही है, बनके नसीबा बनके नसीबा फूट गया, बनके नसीबा फूट गया। हाय किसी का रंगिया चल हाथ में आके छूट गया। कलेजे पे रख रख के हमने जिसको याद किया, उसने हमसे फेर के आके वैर का घर आबाद किया। कहते हैं ठंडी ठंडी आहे प्यार का जादू, प्यार का जादू टूट गया, प्यार का जादू टूट गया। हाय किसी का रंगिया चल हाथ में आके छूट गया। दिल का नाजुक नाजुक शीशा ठेस लगी, ठेस लगी और टूट गया, ठेस लगी और टूट गया। हाय किसी का रंगिया चल हाथ में आके छूट गया। मगर ये पार्टी हुई क्यों, जबकि मैंने आपको साफ साफ कह दिया था कि तुम्हारे कहने से क्या होता है, मैं कुमार पर वचन दे चुका हूं। तो यूं कहिए कि आप एक फेर का सौदा कर चुके, कुंवर की दौलत ने आपको खरीद लिया। आशा, मैं पूछती हूँ बाबूजी, आप कुंवर से इतना डरते क्यों? कौन होता है वो इस तरह की मनमानी करने वाला? और जब आप जानते हैं कि मैं जानता हूँ बेटा, इंस्पेक्टर अच्छा आदमी है, तुम्हें पसंद है, मगर मगर क्या, जुर्रत से काम लीजिए बाबूजी। जितना आप डरेंगे दुनिया आपको उतना ही दबाएगी। आपको ये भी मालूम है कि म्युनिसिपल स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी के दिन जो सेठ शंभुनाथ के यहाँ जो उसके नौकर का खून हुआ था वो किसने किया था? कुंवर ने? मुझे कुछ मालूम। और 26 जनवरी की रात को जो किश्ती नाजायज माल से भरी हुई जो पकड़ी गई किसकी थी? कुंवर की? मुझे कुछ मालूम नहीं। इस शहर में कितनी चोरियां हुई, कितने डाके हुए, किसने कराया था? कुंवर ने? मैं कह रहा हूँ धर्म से मुझे कुछ मालूम। और आपको ये भी मालूम शायद कि पहली जनवरी को जब मैं आपके नौकर था बाबूजी की हैसियत से, तो ये कागजात कुंवर ने आपको दिए थे? हाँ कागजात तो दिए थे। जानते उसमें क्या लिखा? मुझे कुछ मालूम नहीं, धर्म से मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं। देखिए ठेकेदार साहब, इन उल्टी पुल्टी हरकतों की वजह से आप गिरफ्तार हो सकते हैं। गिरफ्तार हो सकता हूँ? मुझे बचाओ, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, धर्म से मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ इंस्पेक्टर। सुनिए ठेकेदार साहब, सुनिए, कुंवर की गिरफ्तारी के वारंट निकल चुके हैं, दो दिन के अंदर अंदर वो गिरफ्तार होकर अदालत में पेश होगा। कुंवर साहब अपनी कोठी पर नहीं है। कुंवर साहब अपनी खुफिया जगह पे नहीं है। यस बनार से कुंवर साहब कहीं भी नहीं मिले। तो मुझे मालूम है कहाँ। चलो भाई साहब। हाँ मैम, बेडरूम में जा कर रजनी अगर सलामती चाहती हो तो खामोशी के साथ कुंवर को मेरे हवाले कर दो, उसकी गिरफ्तारी का वारंट मेरे पास। अलबत्ता मुझे गिरफ्तार करना चाहो तो हाजिर। ओ शरारत, मैं जानता हूँ कुंवर यही है। इंस्पेक्टर आपने खामखा तकलीफ की, अगर आप मुझे खबर कर देते मैं खुद हाजिर हो जाता। अरे नहीं कुंवर साहब, आप लोगों की खिदमत के लिए तो हुकूमत हमें तनख्वाह देती है, ये तो हमारा फर्ज था। कुंवर
यही वो शख्स है मिलाद जो कस्बे नूरपुर का मुअज्जज शहरी होने के बावजूद पब्लिक की जान माल से खेला करता था, जो दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए एक हाथ से दया धर्म का काम करता था और दूसरे हाथ से लूट मार का माल अपने घर में डाला करता था। ये गुंडों के एक बहुत बड़े गिरोह का सरदार था मिलाड। इसने वो काले धंधे किए जिस पे इंसानियत को शर्म आती है। मिलाड, यही नहीं मिलाड, जब इंस्पेक्टर राजन ने शहर में आकर जहां दूसरे इंस्पेक्टर नाकाम हो चुके थे इसकी काली करतूतों का पर्दाचाश किया और इसकी गिरफ्तारी का वारंट निकलवाकर इसको गिरफ्तार करना चाहा, तो मुलजिम ने इंस्पेक्टर पर कातिलाना हमला किया, उसकी जान लेने की कोशिश की। मिलाड, मेरे काबिल दोस्त ने तस्वीर का वो रूप पेश किया है जो सरासर झूठ और बेबुनियाद है। कातिलाना हमला कुंवर ने इंस्पेक्टर पर नहीं बल्कि इंस्पेक्टर ने कुंवर पर किया है। मिलाड, ये सरासर गलत है। मिलाड, इंस्पेक्टर राजन और कुंवर के दरमियान में एक जबरदस्त दुश्मनी काम कर रही है। इंस्पेक्टर चाहता था कि वो कानून की आड़ लेकर मुलजिम को हमेशा के लिए साफ कर दे। मिलाड, आखिर इस दुश्मनी की वजह? मोहब्बत मिलाड, मोहब्बत। इंस्पेक्टर उस लड़की से मोहब्बत करता है जो बरसों से कुंवर की मंगेतर है, इसीलिए उसने कुंवर को साफ करने की कोशिश की। क्या वो लड़की अदालत में हाजिर है? मिलाड, लड़की नहीं, उसके पिताजी हाजिर हैं। मिलाड, उससे चंद सवाल पूछने की इजाजत दी जाए। ग्रांटेड। कहो जो कुछ कहूंगा भगवान को साक्षी जानकर कहूंगा और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। जो कुछ कहूंगा भगवान को साक्षी जानकर कहूंगा और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। आपका नाम? शिवचरण। पेशा? ठेकेदारी। तो ठेकेदार शिवचरण, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी लड़की आशा देवी की मंगनी जो कुंवर साहब के साथ हुई है कब? कभी अजी हुई नहीं, तब का सवाल ही कहां पैदा होता। आप झूठ बोल रहे हैं, मंगनी हुई है और जरूर हुई है। कमाल है साहब, मंगनी हुई होती तो मैंने की होती, आखिर मैं लड़की का बाप हूँ। मिलॉर्ड, लड़की ने खुद मंगनी कर ली होगी। वाह साहब वाह, ये तो हमने सुना था कि लड़कियों ने खुद शादियां कर ली, मगर मंगनियां भी खुद करने लगी हैं, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मुकदमे की बहस किसी और तरफ जा रही है। अगर कातिलाना हमला वाकई इंस्पेक्टर की तरफ से हुआ तो मौके का कोई गवाह मौजूद है? यस मिलॉर्ड, मिस रजनी मौजूद है। मिस रजनी को हाजिर किया जाए। मिलॉर्ड, मुझे मिस रजनी से चंद सवाल पूछने की इजाजत दीजिए। इजाजत है। हाँ तो मिस रजनी, क्या आप ये बता सकती हैं कि जब कुंवर और इंस्पेक्टर में पिस्तौल बाजी हुई तो पहले गोली किसने चलाई? जाहिर है कि इंस्पेक्टर ने। क्यों? ये तो मैं नहीं जानती। तो कुंवर साहब ने अपने आप को कानून के हवाले करने से इनकार किया होगा? जी नहीं, कुंवर तो एक शरीफ बाइज्जत शहरी की तरह अपने आप को कानून के हवाले करने को तैयार थी, लेकिन ना जाने इंस्पेक्टर ने फिर भी क्यों उनकी जान लेने की कोशिश की। क्या आप बता सकती हैं कि उस रोज उस जगह आप क्या लेने गई थी? वो जगह मेरा घर है। ओह, तो आपका घर था। अच्छा, कुंवर साहब वहाँ क्या लेने आए थे? वो मेरे दोस्त हैं, मुझसे मिलने आए थे। उसी रोज या हर रोज आते थे? इससे आपका मतलब? मतलब है, जवाब दीजिए। हर रोज आते हैं। आप उनसे हर महीने क्या लेती थी? ऑब्जेक्शन माई लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। हाँ तो रजनी देवी, आपने बताया नहीं कि कुंवर से आप हर महीने क्या लेती थी। कुछ नहीं। कुछ भी नहीं? आप काम क्या करती हैं? कुछ नहीं। तो फिर आपके पास इतनी दौलत कहां से आई? 20,000 की गाड़ी, आलीशान बंगला, हीरे जवाहरात वगैरह वगैरह। ये सब मेरी बात नहीं दिया है। आपका बाप क्या काम करता था? आप खामोश हैं, जवाब दीजिए। आपका बाप क्या काम करता था? हाँ बाप, आपका बाप क्या काम करता था? वो स्कूल मास्टर थे। स्कूल मास्टर? सुना आपने मिलाड, आज तक हमने हिंदुस्तान में ऐसा कोई स्कूल मास्टर नहीं सुना जो लाखों की जायदाद छोड़कर मरा हो। लिहाजा ये साबित है कि मिस रजनी कुंवर की दाश्ता है और उनके इशारों पर नाचती है। क्या इन हालात में मिलाड इनकी गवाही कोई मानी रखती है?
मुकदमे का फैसला कल तक मुलतवी किया जा रहा है। The foreman, have you arrived at your verdict? Yes. Are you unanimous or divided? Unanimous. Under section 392 IPC, guilty or not guilty? Guilty. Under section 307 IPC, guilty or not guilty? Guilty. ज्यूरी के फैसले का एहतराम करते हुए ये अदालत कुंवर दलबीर सिंह बलबीर सिंह साकिन नूरपुर पर लगाए हुए इल्जाम को सही तस्लीम करती है और पहले जुर्म यानी डकैती और चोरी के सिलसिले में जेर दफा 392 इंडियन पीनल कोड 7 साल कैद बाबत और दूसरे जुर्म यानी हुकूमत आलिया के अफसर आला इंस्पेक्टर राजन पर कातिलाना हमला करने के जुर्म में जेर दफा 307 इंडियन पीनल कोड 10 साल कैद बाबत सजा देती है। ये दोनों सजाएं एक साथ अमल में आए। इंस्पेक्टर राजन, मैं जा रहा हूं लेकिन आपको याद रखूं और इन साहिबान को भी जिन्होंने मुझसे मेहरबानी की। 10 साल का वक्त तो ज्यादा वक्त नहीं, मैं लौटूंगा और जरूर लौटूंगा लेकिन उस वक्त मैं नहीं, आप लोगों की मौत लौटेगी। नूरपुर वालों, मेरा इंतजार करना। इंस्पेक्टर तुम तैयार है ना? DSP. My name is District Superintendent of Police. Okay, DSP sahab. Aap is door mein salam. Salam. Are you? Aap? Yes. इतने बड़े आदमी बन गए और हमें खबर तक नहीं की। ये कुछ कभी नहीं पाया हूँ मैं। चाहिए, हमें नहीं चाहिए आपकी कुछ खबरें। नहीं थी गवर्नमेंट इतनी खुश है मुझसे, तुम्हें कुछ खबरें नहीं थी? गवर्नमेंट खुश होगी उससे हमें क्या? आपको क्या? जी एक बार आओ। दूसरी बात, पहली बार तो तरक्की का और दूसरी बार शुभ मंगनी का। कुछ होने का चक्कर क्या है? ये बेटा गरीबी दावा है, 200 अचरतियाँ हैं। ये लेन देन वाला मामला पसंद नहीं अपने, ये आप गरीबों में दे दीजिए। आपने मुझे अपना है बहुत खुश रहा बेटा। मैं ऐसे तैयारियां शुरू कर देता हूँ। हंसी हंसी जल्दी थाली की तैयारियां करो। Thank you.
बे जवानी जला, जवानी जला बेदर्दी, राह चलती कोठेड़ी के आके निगाहें लड़ाके, जवानी जला, जवानी जला बेदर्दी, भाग जाएगा दिल को चुरा के मोहब्बत जता के, जवानी जला, जवानी जला बेदर्दी। ना मैं दिल दूंगी ना प्यार दूंगी रे तुझे, पास आया तो मैं मार दूंगी रे तुझे, ना मैं दिल दूंगी ना प्यार दूंगी रे तुझे, पास आया तो मैं मार दूंगी रे तुझे, चला जाएगा ये मार खाके तुझे पहना के, शादी का चला, शादी का चला बेदर्दी, राह चलती कुछेड़ी के आके निगाहें लड़ा के, जवानी जला, जवानी जला बेदर्दी। अरे ओ जोगी बेदर्दी, भाग जाएगा दिल को चुरा के मोहब्बत जता के, जवानी जला, जवानी जला बेदर्दी। सलामत रहो हजार बरस, हर बरस के दिन हो हजार हजार। भाइयों, हम आज बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे जान से प्यारे इंस्पेक्टर साहब तरक्की पा रहे हैं, उन्हें जीवन साथी मिला है। मगर थोड़ा सा दुख है, इंस्पेक्टर साहब थोड़ी देर के बाद हमसे जुदा हो रहे हैं। हमारी भगवान से यही प्रार्थना है, इंस्पेक्टर साहब जहां भी जाएं, कामयाबी इनके कदम चूमे, खुशियों का छाया इनके सर पर रहे। हाँ।
भाइयों, इंस्पेक्टर साहब के बहुत उपकार हो हमारे सर पे। इन्होंने हमार हिम्मत बढ़ाए के बहादुरी से जीना सिखाए हो, हमें मानो धर्म सिखाए हो। इनकर उपकार हम कभी न भूलें। ईश्वर से हमार यही प्रार्थना है, इंस्पेक्टर साहब की जोड़ी फले फूले, हमेशा सुखी रहे। मैं नगर सेवा समिति की ओर से इंस्पेक्टर साहब को शुभकामनाएं भेज करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि कहीं भी किसी भी वक्त सेवा की जरूरत पड़े तो हमारे वॉलेंटियर उनके लिए जान तक देने के लिए तैयार हैं। भाइयों और बहनें, मैं अपने थाने की तरफ से इंस्पेक्टर साहब को पूरी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अब आप पूछेंगे क्या, एक तो इंस्पेक्टर साहब की तरक्की की और दूसरी बाबू जी की। वैसे हमने बहुत से इंस्पेक्टरों के हाथ के नीचे काम किया है, लेकिन जो सबक हमें इंस्पेक्टर साहब ने दिया है ईमानदारी का, हिम्मत का, वो हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। हम अपने फर्ज पर अपनी जान दे देंगे। अरे हम बदलो, आप लोगों ने मुझे बहुत बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया। मैं इसका हकदार था या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया बिना किसी लालच के कि मुझे कुछ मिले। मैं आपके शहर में कानून का एक मामूली सिपाही बनकर आया था, जो कुछ भी खिदमत मुझसे हो सकी मैंने की। आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बहुत दूर जा रहा हूँ, लेकिन आपके शहर की याद आपके शहर की याद हमेशा मेरे साथ रहेगी और मेरा दिल हमेशा आपके साथ रहेगा। शादी मुबारक, मैं खुद हाजिर हो रहा हूँ शादी की मुबारक बात के 24 घंटे में। बात तो आप मुझे छुपा रहे हैं। आ रहा है, हम आ रहा है, तुम आ रहा है, तुम आ रहा है, वो मार देगा, मुझे मार देगा, तुमको मार देगा, तुमको मार देगा, तुमको मार देगा, अरे वो जरूर बदला लेगा, वो जरूर बदला, पुलिस के हाथों से भाग जाओ, वो जल्दी जाओ।
आखिर वो लोग जा ही रहे। जाएंगे कहाँ, हमारा आदमी वहाँ पुल के नीचे बम लेके बैठा है और जो ही जब वहाँ पहुंचेगी तो उड़ जाएगा। वो लोग जाएगा, लेकिन गंगा जब वो लोग जा ही रहे हैं तो उनकी जान लेने से फायदा। बॉस का यही है। गाड़ी क्यों रोक दी? मैं पूछता हूँ गाड़ी क्यों रोक दी? मैं और आगे नहीं जा सकता। क्या मतलब? मेरा फर्ज मुझे बुला रहा है ठेकेदार साहब, शहर को गुंडों के हवाले छोड़ के नहीं जा सकता। लेकिन मेरा क्या होगा, इस अरमानों भरी दुल्हन का क्या होगा जिसके हाथों की मेहंदी अभी तक सूखी नहीं? पुलिस वालों के सामने जब उनका फर्ज आता है तो दुनिया में किसी चीज की परवाह नहीं करती। बेटा बेटा तू ही समझाई से, मेरी तो कुछ सुनता नहीं। मैं फर्ज के आगे क्या बोल सकती बाबूजी। आप इंस्पेक्टर साहब, मैंने फैसला किया है कि जब तक कोर को इन सलाखों में बंद नहीं कर लूंगा मैं शहर से नहीं जाऊंगा। तो पहले ही कहता था इन पुलिस वालों से रिश्ता कहता, उनका बाप मर जाए या बीवी की मौत हो जाए इनकी बला से, इनको तो अपना फर्ज प्यार है, अपनी ड्यूटी प्यारी है। बाबूजी ऐसा न कहीं, अगर आप भी उनकी जगह होते तो आप भी ऐसे ही करते। मैं ऐसा करता? लालच है मुझ पर को मैं ऐसा करता? अरे मैं तो उस दिन को रो रहा हूँ जिस दिन उसके साथ लगन किया था। खुद भी मरेगा दूसरों को भी मरवाएगा। मैं कहता हूँ उसे मौत आ जाए, वो मर जाए, ऐसी गोली लेकर अपना पाल करता। जरूर कहूंगा, उसे ऐसे नालायक के साथ मुझे कोई हमदर्दी नहीं। आज मेरी सुहाग का पहला दिन है, आप आशीर्वाद नहीं दे सकते तो ऐसे कर में ना बोल, ऐसे कर में बोल ना बोलिए, ना बोलिए बाबूजी, मुझे छुट्टी चाहिए। क्या? वो दूसरा आया है, उसे गांव छोड़ने जाना है। नहीं नहीं छुट्टी नहीं, छुट्टी दे दीजिए हुजूर, नई नई शादी हुई है, बुड्ढा कहीं भड़क न जाए। शहर की हालत बहुत नाजुक है तो मैं छुट्टी नहीं मिल सकती। ये बात है तो फिर छुट्टी को छुट्टी, बुड्ढा रहे चाहे फाड़ दे। गाड़ी के आने में सिर्फ 5 घंटा बाकी, कुंवर को गाड़ी से उतरते ही हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। 4 आदमी आ रहेंगे और बाकी रेलवे स्टेशन को चारों तरफ से घेर लेंगे। प्लांट से फिर रॉबरी की चाबी और बंदूकें निकाल सकते। हेलो बनारसी दास, क्या बात है? हुक्म की तामील। उसे गिरफ्तार करना होगा, उसे गिरफ्तार करना होगा, सुना तुमने? उसे हर कीमत से गिरफ्तार करना होगा। मैं उसे गिरफ्तार करूंगा, सुना तुमने? उसे हर कीमत से गिरफ्तार करूंगा। हेलो जनरल हेडक्वार्टर, इन्होंने हमें हिम्मत से जीना सिखाया, मानव धर्म सिखाया। मैं नगर सेवा समिति की ओर से इंस्पेक्टर साहब को शुभकामनाएं भेंट करता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि कहीं भी किसी भी वक्त उनको सेवा की जरूरत पड़े तो हमारे वॉलंटियर जान देने को हाजिर है। अरे बाप रे,
जरूर बदल जाएगी। चुप जाओ भाषा जी, भाषा जी, भाषा जी, मैं आपको आपका वादा याद दिलाने आया हूँ कि आधी रात को भी कभी वॉलंटियरों की जरूरत पड़े तो सब हाजिर हैं। हालात ने जो करवट ली हो तो आपको मालूम ही है, मुझे सिर्फ 10 वॉलंटियरों की जरूरत है, सिर्फ 10 ऐसे नौजवान जो कि अपना सर हथेली पर रख के मेरा साथ दे सके। हमें इस गुंडागर्दी को खत्म करना होगा, एकदम खत्म करना होगा। ये तो दुरुस्त है इंस्पेक्टर साहब, हमारे बहादुर वाले इंटरव्यू के मौके पर अपनी जान भी देने को तैयार है, मगर अफसोस है कि सबके सब मेले पर गए। अरे देखा 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 इंस्पेक्टर रावत हो, अरे इंस्पेक्टर रावत हो, चलो चलो चुप कल से बुखार का हुआ मुझे, मैं आपकी जरूर मदद करता और मेरे नौकर चाहते वो सब घर के बारे में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंडित जी जय सियाराम जी, इंस्पेक्टर साहब जय सियाराम जी। बात सुनिए, मैंने आपकी पूजा भ्रम किया जी, मैं आपके पास किया ना, हम जानते थे इंस्पेक्टर साहब आप काहे बदे आए थे हवा, मगर अफसोस की बात हो इंस्पेक्टर साहब, हमार सब पहलवान बनारस गए हैं। हमार हमार तो आज पूरन बाकी के भरत हो, आज 70 नहीं छुएगी हो। स्टेशन में जाना खतरनाक है, रेलवे स्टेशन में जाना खतरनाक है, कुंवर के गुंडे स्टेशन को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। इसी में है कि सनी बाजार उनका मुकाबला किया जाए, रेलवे स्टेशन पर जाना खतरनाक है।
अगर कोई पीछे पलटा तो गोली मार दूंगा। सीधे पुलिस स्टेशन चलो, सीधे पुलिस स्टेशन चलो। Thank you.
साहब, वह साहब, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। मैं आपको इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा कुंवर साहब। मैं आपको शहर वापस ले जाऊंगा। मैं आपको उन्हीं लोगों के बीच ले जाऊंगा जो आपके नाम से कांपते हैं, और आज वो आपकी लाश पर थूकेंगे। मैं आपको उस वक्त मरने नहीं दूंगा। मैं आपको उस वक्त तक मरने नहीं दूंगा। मैं आपको शहर जिंदा वापस ले जाऊंगा। उसी जगह ले जाऊंगा जहां आप जिंदगी हर कानून से खेलते रहे, और ये भूल गए कि हर मुजरिम का अंजाम कितना भयानक होता है। वही शख्स है जिसकी जिंदगी जुर्म गुनाह की एक लंबी दास्तान रही, जिसने इंसान बनकर शैतानियत का दावा किया, लेकिन आखिर कानून से नहीं बच सका। इंस्पेक्टर राजन, हमने तमाम मुजरिमों को पकड़ लिया। यकीन रखो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और तुमने जिस तरह जिंदगी से खेल कर अपने फर्ज को अदा किया है वो वाकई है। तुम वाकई एक सच्चे पुलिसमैन। इंसानियत और पुलिस की तारीख में तुम्हारा नाम सुनहरी हरफों से लिखा जाएगा। थैंक यू सर। अब तुम अपनी नई ड्यूटी पे जा सकते हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक माय ब्रेव बॉय। अच्छा, थैंक यू। मैं तुम पर फख्र करूं कम है। अगर हो सके मेरी आंखों में देखे, हमें हाल दिल तुमसे कहना है। कहिए। अगर हो सके मेरी आंखों में देखे, मीठी मीठी लगन प्यारी प्यारी।